लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कितने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा क्षेत्र से लेकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण तक हमारे देश ने प्रगति की है। अब लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब की बार 400 पार की सोच के साथ पार्टी ने घोषणा पत्र को भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कुछ गारंटियां दी हैं। ये मैनिफेस्टो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ महिलाओं, युवाओं, वंचितों और किसान पर केंद्रित है। भाजपा ने जो पहला बड़ा ऐलान किया है उसके मुताबिक 80 करोड़ परिवारों को अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन स्कीम का फायदा मिलता रहेगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही ट्रांसजेंडर्स को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए हर राज्य में विशेष तीर्थ सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गरीबों को पक्का घर देने की योजना तो जारी ही रहेगी, वहीं 3 करोड़ और अन्य घर बनाए जाएंगे और साथ ही घर घर तक पाइपलाइन से सस्ती रसोई गैस पहुंचाने का वादा भी किया गया है। पीएम मोदी की गारंटी के रूप में बीजेपी ने यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी गारंटी दी है। भाजपा ने देश की जनता से ये वादा किया है कि पीएम मोदी की सरकार को अगर तीसरा कार्यकाल मिलता है तो वो एक देश एक चुनाव पहल को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। साथ ही भाजपा ने देश हित में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात भी कही है। पीएम मोदी ने भाजपा के घोषणा पत्र में ये गारंटी दी है कि पूरे देश में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेनों के 3 मॉडल देश में ऑपरेट किए जाएंगे, जिनमें वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो शामिल होंगी। साथ ही देश के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में भी एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तीसरा कार्यकाल मिलने पर 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की गारंटी पीएम मोदी ने भाजपा के घोषणा पत्र में दी है। भाजपा ने ये वादा किया है कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्षेत्रों में वर्किंग महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें चाइल्ड केयर फैसिलिटी उपलब्ध होगी। संकल्प पत्र में मुद्रा योजना के विस्तार का वादा किया गया है। पीएम मोदी ने ये गारंटी दी है कि मुद्रा योजना के तहत समय पर लोन चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मौजूदा क्रेडिट लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा। संकल्प पत्र के मुताबिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में शामिल तमिल लैंग्वेज को आगे बढ़ाने, योग, आयुर्वेद, भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण देने के लिए तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने भाजपा के घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि साल 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के चलते जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में इसे मनाया जाएगा। पीएम मोदी की गारंटी है जन औषधि केंद्र पर 80% छूट के साथ दवाई मिलती रहेगी। अगले 5 वर्षों में हर साल 5000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे। आने वाले 5 सालों में देश की सभी ग्राम पंचायतों को भारत नेट ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने बीजेपी के घोषणा पत्र में देश के किसानों को गारंटी दी है कि कीटनाशकों के प्रयोग, सिंचाई, मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान जैसी कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। साथ ही ट्रक ड्राइवरों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर आधुनिक विश्राम गृह विकसित करने की गारंटी प्रधानमंत्री ने भाजपा के संकल्प पत्र में दी है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में मछुआरों को शामिल करते हुए उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का वादा किया है।
मछुआरों के जीवन से जुड़े हर पहलू जैसे कि नाव का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, सैटेलाइट द्वारा समय पर जानकारी, इन सभी को मजबूत किया जाएगा। मछली पालकों को सीवीड और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। पार्टी ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली बिल जीरो करने का वादा भी अपने संकल्प पत्र में किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में ये वादा किया गया है कि भारत आने वाले वर्षों में चांद पर इंसान को उतारेगा और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको पीएम मोदी की गारंटी वाला भाजपा का संकल्प पत्र कैसा लगा।